किया था कि Asus ROG 3 लॉन्च करने वाला है एंड हियर वी हैव इन आवर ओन हैंड्स. सो बिफोर वी गो अहेड एंड ओपन दिस, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये तो स्पेक्सिट फाड़ने वाला चीज़ है और ये फ्लैगशिप है इन इटसेल्फ. और जैसे आप सबको पता है कि इसमें 865 प्लस का प्रोसेसर है जो किसी और फोन में नहीं है अब तक, बस ROG 3 में है. लेट्स ओपन दिस अप. वाओ, दिस इज रियली ऑसम. पैकिंग बहुत सही है. ऑन द टॉप यू कैन सी द ROG लोगो ओवर हियर, शाइन कर रहा है डिफरेंट एंगल्स में. ROG फोन 3, इसको आराम से साइड में रखते हैं. ROG फोन 3 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लोगो है ROG 3 का, आप अच्छे से देख सकते हैं. एंड देन व्हेन यू रीड दिस, ओके, इसमें ब्लैक कलर आता है. आई थिंक ओनली एक ही कलर है ब्लैक कलर का. फिर 8GB रैम स्टोरेज, 120GB हार्ड डिस्क, 128GB स्टोरेज. इसमें कोई एक्सटर्नल कार्ड है नहीं क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी 120GB वुड बी एनफ फॉर यूजर्स. और 128GB दिया गया है क्योंकि ये गेमर्स के लिए है और वो लोग ज़्यादा गेम्स डालेंगे, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम. और ये 5G है जो 865 प्लस प्रोसेसर प्रोवाइड करती है. अब तक इंडिया में 5G आया नहीं है बट होपफुली सून आ सकता है. और इसमें इसमें बैक साइड में है 24 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल एंड 30 मेगापिक्सल का कैमरा एंड फ्रंट में 5 मेगापिक्सल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनबॉक्सिंग. I'm really excited to open this. Oh wow! You can see for those who dare. इसमें SIM ejector tool है और ये ROG branding के साथ आता है. बहुत सही design है इसमें. Asus has made sure कि अपना footprint हर accessory में छोड़ा है. Let's put this back. कुछ documents हैं and कुछ stickers हैं लगाने के लिए. I think ये phone के बारे में है. And there is some 3D holographic designs stickers that you can put on the आप अपने दूसरे सिस्टम्स में लगा सकते हैं जो आपको गेमिंग वाला फील दे. और ये वारंटी इंफॉर्मेशन और ये कुछ डिटेल्स अबाउट योर फोन. इसको साइड में रखते हैं अभी. दिस इज द मेन पार्ट. वाओ, दिस इज रियली हेवी. सो जो जो काफी एक्सपेक्टेड था क्योंकि 6000 का बैटरी है जो गेमर्स को यूजली चाहिए होता है. गेमर्स प्ले मोर फॉर लाइक 3 hours कंटिन्यूसली तो उनको उतना लंबा बैटरी चाहिए ही चाहिए. एंड दिस डेफिनेटली फील्स प्रीमियम. इवन आई हैवंट ओपन्ड द स्क्रीन कवर येट. लेट मी डू दैट. वाओ वाओ, आप देख सकते हैं पीछे शाइनी ग्लास कवर है, शाइनी ग्लास पैनल है एंड पीछे 3 कैमरास है. यहाँ पे 2 फ्लैशलाइट्स है और ऐसे कटे हुए डिजाइन्स जो गेमर्स को काफी पसंद आती है. एंड यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे शाइन करता हुआ ये कूलिंग पैनल. जी देखिए, कहीं रेड हो रहा है कहीं ब्लू हो रहा है. एंड देन यहाँ पे जो ROG का ब्रांडेड लोगो है, ये ग्लो करेगा आपका डिफरेंट कलर्स में जो हम आगे जाके सेटअप करके देखेंगे. और ये आपका फ्रंट साइड है. एक ऊपर दैट इज योर फ्रंट फेसिंग कैमरा. ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं दोनों साइड पे, तो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं. गेमर्स के लिए काफी अच्छा है, व्हेन दे प्ले दे कैन हियर साउंड्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. साइड में दैट इज वन, दैट इज समथिंग ओवर हियर. खोल के देखते हैं क्या है. काफी टाइटली पैक्ड है, नया फोन है तो विल टेक सम टाइम
गेटिंग यूज टू। हाँ तो इसमें दो पोर्ट्स हैं, एक एक्स्ट्रा यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, दूसरा है कुछ और एक्सेसरीज लगाने के लिए। इसमें मैं इसको वापस डालता हूँ एंड देन इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। लेट्स सी द अदर एक्सेसरीज फर्स्ट। हाँ इसमें एक चार्जर दिया गया है, आई थिंक ये 30 वॉट का है। यस 30 वॉट का चार्जर है इसमें, और ये इसमें दे हैव ऑप्शंस फॉर पावर चार्जिंग एज वेल। आप अपना खुद से भी सेट कर सकते हैं कि कैसे चार्ज करना है, वो डिटेल्स में हम और एक वीडियो डालेंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फोटोज आ रहे हैं, कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस है और कैसे आप चार्ज अपना ट्यून कर सकते हैं। और ये यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल है, और टाइप सी इज यूएफएस 3.1 स्टोरेज। इसको अलग रखते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये जैक दिया नहीं है ईयरफोन के लिए, जो गेमर्स मोस्टली यूज करते हैं गेमिंग के लिए, पर थैंकफुली उन्होंने एक डोंगल दिया हुआ है जिसमें आप यूएसबी पोर्ट में लगा के खेलते वक्त यहाँ लगा के यूज कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं इसके नीचे जो यहाँ पे पोर्ट था। लेट्स फायर दिस अप। वो फील आ रही है, वो प्रॉपर साउंड आ रहा है गेमिंग का, जैसे कि कुछ तो बूट अप किया मैंने यहाँ पे। ये आपको पहले बता दे रहा है कि ये यूएसबी के लिए है और यहाँ कुछ लगाना नहीं है यूएसबी सी, ये एक्सेसरीज के लिए। तो आप इसमें कूलिंग वाला एक्सेसरी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा डॉकर लगा सकते हैं, कीपैड एक्स्ट्रा जॉयस्टिक लगा सकते हैं, तो इसलिए वो सुविधा दी गई है। अभी क्विक सेटअप करते हैं। ये हमारा हो रहा है कनेक्ट हो गया है, और वाईफाई मेरा काफी दूर है, फिर भी इट सीम्स कि अच्छा पकड़ रहा है सिग्नल। और आई थिंक जैसे एडवर्टाइज था कि इसमें अच्छे सेंसर्स लगे हुए हैं, वी इट सीम्स टू हैव दैट। व्हाइल इट इज गेटिंग बूटेड अप, आई थिंक यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया हुआ है और एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आपको और एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसमें नॉइज कैंसिलेशन का अच्छा सुविधा है जिससे आप अच्छे से बात कर सकते हैं खेलते वक्त भी, फोन पे बात करते वक्त भी। जब मैं टाइप कर रहा था, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी अच्छा फीडबैक है फोन से आता है जो आप जब प्रेस करते हैं। ये जब तक बूट हो रहा है आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, ये काफी अच्छा फर्म ग्रिप देता है, काफी बड़ा है, बट देन आप एक हाथ से पकड़ सकते हैं। मे बी यूज करने के लिए आपको दोनों हाथ चाहिए हो सकता है, बट देन एक इट्स अ वेरी फर्म कंट्रोल ओवर योर फोन। और मोस्टली जब तक मोस्टली एसस का रहा है कि ऑलमोस्ट स्टॉक एंड एक्सपीरियंस देता है, कुछ एप्लीकेशन है पर इतने दोज आर मोस्टली नॉट ब्लोटवेयर्स, तो आपको अगर स्टॉक एंड एक्सपीरियंस चाहिए दिस कुड बी अ गुड फोन फॉर यू। ये जैसे आपको पता है ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है स्क्रीन पे है, और हमें सेटअप करने के लिए थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन से देना होगा, जिसके बाद ही रजिस्टर हो सकता है। और जब मैं प्रेस कर रहा हूँ आई एम गेटिंग ए फीडबैक फ्रॉम द फोन बैक, जिसे मालूम पड़ रहा है कि ओके माय फिंगरप्रिंट इज गेटिंग रजिस्टर्ड। वाओ स्क्रीन का ब्राइटनेस काफी अच्छा है, एमोलेड स्क्रीन है। इसमें स्टार्टिंग में बता रहा है कि आपको एयर ट्रिगर सेट करना है, विल स्किप दिस टू द नेक्स्ट स्टेप्स। अभी फटाफट फोन के पास जाते हैं, अभी रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है कि
एसेस प्रोडक्ट के साथ हम फटाफट से अगले गूगल के साथ साइन अप कर देते हैं इसको। तो आप सेटअप करते वक्त ये आपको थीम पूछता है, जस्ट इससे पहले एक बार हमें पूछा कि इफ़ यू वांट टू बैकअप डेटा थ्रू एसेस, वो आपको सुविधा भी देती है। ये थीम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो शो द डिफॉल्ट थीम जो गेमिंग वाला थीम है जो मोस्टली गेमर्स को पसंद आता है, हम अभी वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। सेटअप कंप्लीट। हाँ तो एक ईस्टर है, एक है जो एसस ने रखा है सबके लिए है कि टू जॉइन द रेशन मिशन इमीडिएटली, हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये बता रहा है कि स्कैन आरओजी टोटन, तो ये बहुत लोग मे भी इग्नोर कर देते हैं, उनको पता नहीं हो सकता शायद, पर आप देखेंगे तो फोन के कवर में एक पार्ट दिया रहता है। सो दिस इज द टोटन, वी नीड टू स्कैन दिस। हम अभी ये स्कैन कर रहे हैं, सॉरी उल्टा। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी वाला गेम है, इसमें कुछ ओ वाओ देयर इज अ बाइक कमिंग आउट ऑफ इट। ये इसका रिस्पांस काफी सही है, आप एक बार थोड़ा सा प्रेस करते हुए सी कि सही में मूवमेंट हो रहा है। मैंने अभी एक बार क्लिक किया, फटाफट से वो गाड़ी मूव करने लग गया लेफ्ट या राइट। तो इसमें एक आर्मरी क्रिएट करके एक चीज़ इसमें आपके सारे गेम्स रहते हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। एंड लेट मी फिनिश दिस अप। तो ये आपका ऐसे कुछ प्रकार दिखता है आपका होम स्क्रीन, एंड आपके सारे आइकन्स ऐसे गेमिफाइड वर्जन है ये बेसिकली जो थीम है इसका। देखिए कितना फास्ट है रिस्पॉन्स फिंगरप्रिंट स्कैनर का, ऑलमोस्ट इंस्टेंट खुल जाता है। और ये तो था इनिशियल अनबॉक्सिंग, दिस इज द अनबॉक्सिंग पार्ट। विल गो बैक एंड इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा इसको खेलेंगे और एंड देन विल टेक सम फोटोज एंड देन विल कम बैक टू यू विद अ मोर डिटेल्ड रिव्यू। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, आपकी कुछ क्वेरीज हैं कि एनीथिंग रिलेटेड टू द फोन कैसे यूज करना है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। We'll be right back.